आज वहां लोकसभा का पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है और ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होगी। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे, साथ ही साथ 26 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव भी कराए जाएंगे। हरियाणा करनाल में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है। वहीं 6वें चरण में हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए के साथ साथ करनाल सीट पर भी उपचुनाव होगा। करनाल विधानसभा उपचुनाव 26 मई को होगा। करनाल सीट मनोहर लाल इस्तीफे के बाद खाली हुई है, जिसमें अब उपचुनाव होना है। 25 मई को हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर भी चुनाव कराए जाएंगे। साथ ही दिल्ली में छठे चरण में वोट डाले जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां तारीखों का ऐलान हो गया है, 25 मई को 6वें चरण में 57 सीटों पर चुनाव होंगे। वहीं 4 जून को वोटों की मतगणना होगी। 1 जून को 7वें चरण में 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया। 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव का आगाज होगा और वोटर्स से अपील इस बार चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। खासतौर पर जो नए वोटर्स हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। 25 मई को हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। 7 मई को तीसरे चरण में चुनाव होगा। 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय शर्मा लाइव जुड़े हुए हैं। प्रणय, दिल्ली में 6वें चरण में 25 मई को वोट डाले जाएंगे, दिल्ली का सियासी समीकरण क्या कुछ कहता है? क्योंकि हाल ही के दिनों में दिल्ली में भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। जिस तरह से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री पर ईडी की नकेल देखने को मिल रही है और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला पिछले लंबे समय से दिल्ली की राजनीति में देखने को मिल रहा है, दिल्ली में जो चुनाव होंगे उस पर क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक लंबा वक्त है जो अब प्रत्याशियों को मिल गया है। 6वें चरण में दिल्ली में लोकसभा चुनाव होना है और ऐसे में एक लंबा वक्त है कि जो उम्मीदवार हैं वो जनता से मिल पाएंगे, अच्छे से अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर पाएंगे और अपनी बात को वो जनता के सामने रख पाएंगे। 25 मई को दिल्ली में वोट डाले जाएंगे तो ऐसे में बहुत ही दिलचस्प अब दिल्ली का चुनाव हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में इस बार पहली बार जो गठबंधन है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में वो हुआ है और गठबंधन के साथ ही वो चुनावी मैदान में जो उम्मीदवार हैं वो उतरे हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा जो 4 सीट उनके उनके उनको मिली है उसकी तो उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस फिलहाल अभी भी मंथन में जुटी है। 18 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और उम्मीद ये की जा रही है कि दिल्ली का फैसला उसमें हो जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर अगर हम कांग्रेस की भी बात करें तो कांग्रेस को और थोड़ा वक्त मिल गया है कि और वो सभी गुणा भाग को देखते हुए सारे जो गणित है उसे लगाते हुए वो उम्मीदवारों का चयन कर सकती है और उम्मीदवारों को मैदान में उतार सकती है। बिल्कुल प्रणय, इस दौरान बीजेपी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सत्ता को हासिल करना? क्योंकि अगर हम दिल्ली की राजनीति की बात करें तो अरविंद केजरीवाल पिछले लंबे समय से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है, ऐसे में बीजेपी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है दिल्ली की सत्ता को हासिल करना? देखिए दिल्ली की अगर हम बात करें और लोकसभा की बात करें तो दिल्ली में भले ही विधानसभा में बीजेपी लगातार जो हार का सामना है वो उसे करना पड़ रहा हो, लेकिन दिल्ली लोकसभा की अगर हम बात करें तो वो दिल्ली के बीजेपी के लिए पिछले 2 चुनाव, चाहे 2014 की बात करें या 19 की बात करें, जनता का बम्पर सपोर्ट उन्हें मिला है और यही वजह है कि सातों की सातों सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। लेकिन इस बार समीकरण में बदलाव हुआ है। बदलाव इस बात का है कि जो वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बटता था वो अब नहीं बटेगा, क्योंकि वो गठबंधन के साथ मैदान में उतरे हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के सामने चुनौती जरूर है, लेकिन बीजेपी आश्वस्त है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के काम से जो जनता है वो काफी खुश है और एक बार फिर से तीसरी बार दिल्ली की सभी सीटों पर जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो जीत हासिल करेंगे।
बिल्कुल प्रणय, लेकिन अगर हम राजनीति की बात करें तो हाल ही में कई विपक्षी दलों की तरफ से बीजेपी पर कई प्रतिक्रियाएं दी गई, जिस तरह से मोदी के परिवार को लेकर के प्रधानमंत्री को टारगेट करने की कोशिश की गई, हालांकि उस पर भी लगातार सरकार की तरफ से जवाब दिए गए, जवाब जरूर दिए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह की छींटाकशी की जा रही है, जिस तरह की टिप्पणी की जा रही है, क्या लोकसभा चुनाव के दौरान जनता इस माध्यम से कोई जवाब दे पाएगी? क्या जनता के मन पर इस छींटाकशी का कोई असर पड़ेगा? देखिए, चुनाव के दौरान ऐसी चीजें जरूर देखने को मिलती हैं। बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, हर कोई अपने अपने स्तर पर चुनावी प्रचार करता है, बयानबाजी देता है, और ये अक्सर देखने को मिलती है। जहां तक आपने जिक्र किया परिवार का, तो हमने देखा कि उसे बीजेपी ने कैसे उसी बयान को लेकर आगे बुनाया, और सभी बीजेपी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने मोदी परिवार जो कैंपेन है वो शुरू कर दिया, और प्रधानमंत्री ने बकायदा खुद रैली में इस बात का जिक्र किया कि देश की जनता ही उनका परिवार है। थीम सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया गया है। कई बारी ऐसे जो बयान है वो बैकफायर भी कर जाते हैं जी। तो निश्चित तौर पर पूरे ध्यान पूर्वक ये चीजें रहने वाली है, एक एक बयान, और बड़े राजनेता जब बयान देते हैं तो उसके काफी मायने होते हैं जी। तो ऐसे में उन्हें भी सोच समझकर बोलना होगा कि आखिर जो चीज वो कहें वो कहीं उनके लिए ही गलत साबित ना हो जाए। लेकिन 7 चरणों में अब देश में लोकसभा का चुनाव होना है, और ये 7 चरण तय करेंगे कि देश में अब अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। बिल्कुल प्रणय, अगली सरकार किसकी बनेगी ये तो नतीजे सामने आएंगे तभी खुलासा हो पाएगा, लेकिन इस दौरान अगर हम राजनीति की चर्चा कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव की चर्चा कर रहे हैं, तो हाल ही में बीजेपी की तरफ से कई नए प्रयोग किए गए हैं, चाहे हम हरियाणा की बात करें, चाहे लोकसभा चुनाव से पहले जो विधानसभा चुनाव हुए 5 राज्यों में उसकी बात करें, उसमें भी सियासी उठापटक बेहद देखने को मिली, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, यहां बीजेपी को जीत बंपर जरूर मिली है, लेकिन जिस तरह से सीएम फेस को बदला गया और एक नया चेहरा जनता के सामने रखा गया, क्या ये जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी है अचानक से फेस बदलने की, अचानक से चेहरा बदलने की, ये आगे लोकसभा चुनाव में कारगर होगी? क्या इससे बड़ा फायदा होगा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को? प्रणय, आवाज मिल पा रही आपको हमारी? तो एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे प्रणय से, लेकिन इस दौरान आपको बता दें कि चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। 4 जून को वोटों की मतगणना होगी और करनाल विधानसभा में उपचुनाव भी होंगे। 25 मई को ये उपचुनाव कराए जाएंगे और इसके साथ ही तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। बता दें कि इस दौरान 25 मई को हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर भी चुनाव होंगे और छठे चरण में दिल्ली में भी वोट डाले जाएंगे। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि 7 मई को तीसरे चरण में 94 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। 20 मई को 5वें चरण का चुनाव होना है और 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं 25 मई को छठे चरण का और 1 जून को 7वें चरण का 57 सीटों पर चुनाव होगा। 4 जून को वोटों की मतगणना होगी। बता दें कि इस दौरान लगातार राजनीतिक बयान भी सामने आ रहे हैं। बीजेपी हालांकि जीत को लेकर के काफी आश्वस्त नजर आ रही है, 400 के पार का नारा दिया जा रहा है, जबकि तमाम विपक्षी दल भी अपनी अपनी जीत की हामी भरते हुए नजर आ रहे हैं। और देवेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। देवेश, चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है, राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं की अगर बात करें तो बीजेपी ने जहां 400 के पार का टारगेट तय किया है, वहीं तमाम विपक्षी दल भी इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पछाड़ने की बात कर रहे हैं, सत्ता में काबिज होने की बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है फिलहाल मौजूदा समीकरण? देखिए, बिल्कुल, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है और 5 स्टेट में इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है कांग्रेस के साथ। हालांकि दिल्ली की अगर बात करें, राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में 4 सीटों की घोषणा आम आदमी पार्टी की तरफ से कर दी गई है, लेकिन अभी मौजूदा समय में चुनावों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस कह सकते हैं इसमें पीछे रह गई है। 3 सीटों की घोषणा कांग्रेस की तरफ से नहीं की गई है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी जो आम आदमी पार्टी की 1 सीट मिली थी इंडिया गठबंधन के तहत,
कुरुक्षेत्र की, वहां के कैंडिडेट की घोषणा होगी। चुनावी कैंप की जो है उसकी भी घोषणा आम आदमी पार्टी कर चुकी है। दिल्ली की बात करें, हरियाणा की और फिर पंजाब की और गुजरात की, चार स्टेटों में आम आदमी पार्टी पुरजोर कोशिशों के साथ चुनावी मैदान में है और चुनावी कैंपेन लॉन्च कर दिया गया है। चुनावी समीकरण पर आपने सवाल पूछा था, तो दावा तो विपक्ष कर रहा है कि इस बार जो मौजूदा सरकार है वो हटेगी और जनता बदलाव लेकर आएगी, लेकिन बीजेपी पहले ही कह चुकी है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि, और पहली बार उन्होंने ऐसा बोला कि 370 के पार जो है बीजेपी 370 सीटें लाएगी और एनडीए 400 के पार, यानी कि टारगेट सेट किया हुआ है एक बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से। अब ये इस टारगेट को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये चुनावी जो रिजल्ट आएंगे वो तय करेंगे, लेकिन चुनावों की घोषणा हो गई है, 7 चरणों में चुनाव है, तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में जुटा हुआ है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो दिल्ली में घोषणा हो गई है, पंजाब में हो गई है, कुछ कैंडिडेटों की जो है पंजाब में भी हुई है, लेकिन पुरजोर तरीके से दावा किया जा रहा है कि इस बार बदलाव होगा। और दिल्ली में क्योंकि 7 सीटों की अगर बात करें, दिल्ली में 7 सीट मौजूदा समय में भाजपा के पास है और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि इस बार पूरी तरह से जनता बदलाव के मूड में है। लेकिन क्योंकि दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 6ठे चरण में चुनाव है, यानी कि पार्टी के पास, आम आदमी पार्टी के पास एक समय कह सकते हैं कि है पुरजोर तरीके से चुनावी मैदान में उतरने का, और पंजाब में उसके बाद है। 2 स्टेट में मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन 5 राज्यों में इंडिया गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में है, चुनावी समीकरण है। तो देखिए, तो अगर कांग्रेस की अगर और आम आदमी पार्टी की दोनों की वोट शेयरिंग देख ले तो पिछले चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को मात देते हुए नजर आए थे, लेकिन क्या ये जो समीकरण है, जो मतदान का परसेंटेज था दोनों पार्टियों का, ये एक साथ आकर क्या इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। और किस तरह से कन्वेंस किया जाएगा कि आप इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए ना कि भाजपा को, जबकि जो वोट शेयरिंग की अगर बात करें तो वोट शेयर जो है भाजपा का जो 2014 में जो था, उसके बाद 2019 में बड़ा बदलाव हुआ है, इंक्रीज ही हुआ है, उसमें कटौती नहीं हुई है। और इस बार बड़े मुद्दे हैं, राम मंदिर का जो वायदा भाजपा की तरफ से किया गया था वो पूरा कर लिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेश, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।